हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुंचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हुई हूँ, ये आपके लिए, मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा जो अपने अपना जो करियर है वो एविएशन इंडस्ट्री में एज अ कैबिन क्रू शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सपना ही होता है कि हम बड़े होके एयर होस्टेस बनेंगे या कैबिन क्रू बनेंगे, एंड उसी के बट प्रॉब्लम ये है कि ऑलवेज उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिलता है। बात इतना है कि केबिन क्रू बनने के लिए आपको बेसिक बहुत सारी चीज की आवश्यकता है, जैसे एक सर्टन हाइट, उसके साथ प्रोपोर्शन की वेट, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब तो है एक साइड पे, बट मेन जो थिंग है दैट इज योर प्रिपरेशन। सो आज मैं इस वीडियो में डेफिनेटली आपको तो बताऊंगी ही, एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि केबिन क्रू का इंटरव्यू चल रहा है इंडिगो की तरफ से, जुलाई महीने भी पूरा इंटरव्यू है डिफरेंट सिटीज में, इसका लिस्ट देके मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। बट अभी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ, यस, हम लोगों का जो स्टूडेंट रेगुलरली, आपको पता है कि होराइजन के थ्रू ऑलमोस्ट ऑल रेपुटेड एयरलाइंस एंड एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे स्टूडेंट पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं, एंड हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर द इंटरव्यूज, उसके साथ उसका जॉब असिस्टेंस देते हैं, इसी तरह हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि अपना करियर एक इस इंडस्ट्री, आई मीन एविएशन इंडस्ट्री में शुरू करने के लिए, चाहे वो एयर हॉस्टेस हो, ग्राउंड क्रूज हो, पोर्टर हो, चाहे CSA हो, GSA हो, डिफरेंट कार्गो हो, डिफरेंट पोर्शन में, डिफरेंट आई मीन सेक्टर्स में, डिफरेंट डेजिग्नेशन में अपना करियर शुरू कर सकता है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि जो इंटरव्यू चल रहा है, हमारे जो स्टूडेंट्स है वो इस इंटरव्यू में डिफरेंट सिटी में बैठ रहे हैं, इंडिगो के इंटरव्यू में गुवाहाटी में, इंदौर में, कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई में, एंड हम लोग यहाँ पे सक्सेस हम लोगों को मिल रहा है स्टूडेंट के थ्रू। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट का जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उसके साथ साथ उनका डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क के बिना ये पॉसिबल नहीं होता, बट एट द सेम टाइम उनका जो सही गाइडेंस है वो चीज भी उनका जो परफॉर्मेंस है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। नाउ टूडे आई डिस्कस अबाउट दैट कि केबिन क्रू में जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर कैसे राउंड प्रेजेंटली चल रहा है इंडिगो में। इसके लिए मैं अपना स्टूडेंट सोना मूर्ति को आपके सामने लाऊंगी, वो आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बेंगलोर में एज अ केबिन क्रू सिलेक्टेड हुए हैं, आई मीन केबिन क्रू सिलेक्टेड हुए इन द सेंस केबिन क्रू सिलेक्शन का कई प्रोसेस है, जैसे बेसिक जो 4 राउंड का इंटरव्यू है वो हो जाने के बाद, दैट इज अ मेन राउंड, उसके बाद जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिगो या कहीं भी एयरलाइंस में 2 टाइप आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो है लीड, एक है फ्रेशर। लीड मतलब ऑलरेडी आपने कुछ साल कहीं दूसरे एयरलाइंस में एज अ केबिन क्रू नौकरी किया है। जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए आफ्टर सिलेक्शन उनको एक PhD देना पड़ता है, जैसे प्री हायरिंग ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको कई चीज सिखाया जाता है, इसके बाद इस प्री हायरिंग ट्रेनिंग में इनको 2 बार एग्जाम में बैठना पड़ता है, एंड उसके बाद उनका 3 मंथ्स का जो ट्रेनिंग होता है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स दे कैन ऑफिशियली ज्वाइन एज अ केबिन क्रू एंड दे कैन स्टार्ट देयर फ्लाइंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बहुत सारे आप लोगों के दिमाग पे ये चल रहा है कि व्हाट इज PhD। देखिए, जो प्री हायरिंग ट्रेनिंग जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको और अच्छी तरह से आपका ग्रूमिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका पर्सनालिटी, ये चीज को इंडिगो की तरफ से डेवलप किया जाता है। पैंडेमिक से पहले ये जो ट्रेनिंग चलता था ये फिजिकल चलता था, फिजिकल इन द सेंस आपको इनका ट्रेनिंग सेंटर में आना पड़ता था, वहां पे रुकना पड़ता था, इसका आने का फ्लाइट का टिकट इंडिगो प्रोवाइड करते थे, उसका रहना खाना वो प्रोवाइड करते थे, बट आजकल आफ्टर कोविड ये वर्चुअल हो गया है, आप कहीं पे भी बैठ के इनके साथ ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर दिन में 7 to 8 hours का ट्रेनिंग होगा, ड्यूरेशन होगा 1 month, एंड इसके बाद ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाएगा उसी के हिसाब से 2 बार आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम इन द सेंस दैट वुड बी द वाइवा, एंड उसके बाद आपको 3 महीने का जो मेन ट्रेनिंग है उसमें दे दिया जाएगा। मेन जो आपका है कि ये
इंटरव्यू का डेट, बिकॉज इंटरव्यू का डेट ही मेन चीज है. इंटरव्यू का डेट इज वेरी वाइटल. एंड इंटरव्यू में जो लोग क्लियर कर जाते हैं 99.99% वो लोग पीएचटी में पास कर जाते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ फन. बेसिकली आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा ट्रेनर आपको मिलता है, एंड बहुत यू नो लाइक एनरिच्ड होते हैं आप इस फील्ड में आने के लिए. तो चलिए इसको और अच्छी तरह से हम सोना के मुख से सुनते हैं कि कैसा था उनका इंटरव्यू एंड कैसे कैसे राउंड क्लियर करके वो सिलेक्टेड हुए हैं फॉर द पीएचडी राउंड. Hi everyone, my name is Sona and today I'm here to share my Indigo cabin crew interview experience with you all. So I gave my interview on 28th June and my interview location was Bangalore and the venue was the Zone Park Hotel. So the interview timing was 10 a.m. but I reached the venue a bit early, so I was at the venue around 8:30 in the morning. So when I reached there were very few girls, so exactly at 10 a.m. the HR walked in and she said, please make a group of 10 girls each and one of you collect CVs from that group. So one girl from our group collected all our CVs and gave it to HR. So first round started, so we all 10 girls went in and sat in a semicircle. So the HR asked us basic questions like, tell me about yourself, what are your hobbies, why do you want to join Indigo and not any other airlines, and tell me about your current employment and what are the three things that you would love to change in your life. So these are the basic questions that HR asked. So she just asked this to check how confident we are. So out of 10 girls, she selected 4 girls for second round. So second round was BMI. So in BMI round, they checked the height, weight, scars, tattoos, teeth and eyesight. So after that, the HR said, please wait outside. So we all went outside and we were waiting for our results. Finally, HR walked in and she picked few names and she said, you all are selected for third round, that is pre-final round. So third round was communication round. So communication round was a virtual round with vice president of the company. So yeah, so we walked in one by one, we walked in for virtual round. So the VP asked us few questions like, what is customer service according to you, and have you ever had best customer service in your life, if yes, why? And he asked us, do you know to speak Hindi, and we said yes. And he was like, tell me something about yourself in Hindi and tell me about Bangalore's weather in Hindi and what are your favorite cuisines, so tell everything in Hindi and English and switch to English. So that round was just to check your communication in both Hindi and English. So after that, we all gave our third round and we were waiting for results. So in the interview venue, there were very few girls. So it was less than 100 girls who had appeared for the interview. So finally, HR walked in and she picked few names and she said, you all are selected for final round, that is HR round. So out of around 100 girls, only 17 of us were selected for final round, that is HR round. So for HR round, we made a group of 10 girls again. So first round was with 10 girls and second was with 7 girls because we were only 17 girls. So again, we all went in group. So we were just 7 girls left. So we walked in. So we all sat in semicircle. So the HR, he was really very friendly and he asked us all basic questions like, which is your dream city, and if you ever got a chance to explore, with whom would you explore and why? And he asked us, why do you want to join Indigo Airlines and not any other airlines? And he asked, they were also experienced group with us, so we asked them about their experience with their airline, and it was all normal basic conversation that we had with the HR. So in this round, basically HR, he just asked us all basic questions just to check your communication, how confident you are, how right you are for this job. So after that, we were all waiting for results. So finally HR walked in and she picked few names and she said, you all are selected for PhD, that is pre-hire training. So yes guys, I am selected in Indigo Airlines for PhD training. And yeah, this was my cabin crew interview experience that I shared. Thank you.